मुझे वेडिंग देखनी है कि कैसे होती है सरदारों की। फेरे में सो गए, वो देखना चाहती थी, फिल्मों ही देखा था। कामाक्षी की नाक जला दी पूरी। मैं तेरा फोन कर दूँगी। नाक लाल हो गई। आती हो रही है, मैं तो खूब भयंकर। गुड मॉर्निंग यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइस्टर्स व्लॉग। मैं सायमा। गाइस मैंने मयंक को अभी उठा दिया, 10 बज रहे हैं, 10:30 बज गए। खैर इतना भी लेट नहीं हो रहा है, बट मयंक को मैंने अभी बोला प्लीज़ मेरा स्कर्ट है, तो मम्मी ने उसको बताया कि टेलर की दुकान से लाना है। कल 9:30 बज गए थे रात में, और कल याद ही नहीं रहा कि मंगाना है मुझे, और फिर 9:30 बजे याद आया, और तब तक शायद टेलर की दुकान बंद हो जाती है, और मैं भी नहीं थी यहाँ पे। मेरे को जो अभी वेडिंग में पहनना है इसलिए, तो मयंक जा रहा है टेलर के शॉप पे मेरा ब्लाउज़ लेके आने, यानी क्रॉप टॉप जो स्कर्ट के साथ मैं पहनूंगी। यार शादी की वजह से डाइटिंग में कर रही हूँ, बट कल मैंने जलेबी और थोड़ी सी लवली खा ली थी, थोड़ी सी खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी। मैं सुबह 10 बजे नहा ली, बाल मेरे 2 दिन से कल थे, तो मैंने कहा आज मुझे स्ट्रेट करने हैं। जी आज का हेयर स्टाइल मैं स्ट्रेट रखने वाली हूँ, तो इसकी वजह से मुझे बालों को वॉश करना था, अच्छे से कंडीशनर करना था। मैं फ्रेश हो गई हूँ, मेकअप मैंने कल रात ही निकाल लिया था, आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा अपना मेकअप, और आज मैं करने वाली हूँ मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव लुक, क्योंकि इसमें मेरे सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं जब तक आ रहा है बालों को ड्राई करके, और मैं मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, और मैं बहुत मिनिमम मेकअप रखने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज डे टाइम वेडिंग। ज्वेलरी भी निकाल ली, अगर कुछ समझ नहीं आता तो मैं ऑप्शंस में रख लेती हूँ, और चलती बनूंगी क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, और मुझे वेडिंग देखनी है कि कैसे होती है सरदारों की। मैंने क्रिश्चियन वेडिंग एंड सरदारों की वेडिंग, ये 2 वेडिंग्स नहीं देखी अपनी लाइफ में कभी भी। ऐसे तो हमारे इंडिया में बहुत डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो किया जाता है वेडिंग्स का, बट या ये तो कॉमन है जो यू नो, तो मैंने सोचा कि मुझे करना है, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी उठ गई हूँ। एंड या चलो तैयार होते हैं। ओके गाइस, तो मेरे बाल काफ़ी हद तक ड्राई हो गए हैं। मुझे ना बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे मेरे रेड वाले टॉप को देख के, जो मैंने गोवा में पहना था, सॉरी मुंबई में पहना था, और मैंने ग्रीन टॉप भी पहना था मेरे मीट एंड ग्रीट में मुंबई में। सायमा दी कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, लिंक शेयर कर दो, लिंक शेयर कर दो। तो मैं फाइनली आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी आप। तो मैंने जो सबसे पहला रेड टॉप पहना था वो ये वाला था, ये इतना सुंदर रेड टॉप है ना, मतलब सीरियसली गाइज दिस इज़ ब्यूटिफुल। आई एम इन दी साइज़ मीडियम, जी हाँ मेरे को ये मीडियम साइज़ में फिट आया है, पुफी स्लीव्स के साथ है, बहुत सुंदर फैब्रिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेक है इसका। इसने मुझे 499 कॉस्ट किया, ये ब्रांड है इली लंदन का, तो ये मैंने अमेजोन से लिया था, जी हाँ उस टाइम पे जब मुझे शॉपिंग करनी थी। इसके अलावा एक और टॉप मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, वो है ये वाला, ये अपटाउन ही ब्रांड का है, इन दी साइज लार्ज। जी हाँ डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट साइजेस, तो ये दोनों टॉप मुझे बहुत पसंद आए, काफ़ी सिमिलर हैं, एक का निक थोड़ा सा वैसा है रेड वाले का। तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स दूंगी कि मैंने पहना था मुझ पर कैसा लग रहा था, स्पेशली आप इसे ना बेल बॉटम्स या बूट कट यू नो डेनिम्स के साथ पहनो, ये बहुत सुंदर लगेंगे दोनों, द कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इसने मुझे 399 समथिंग कुछ कॉस्ट किया है, तो अंडर 500 रुपीज़ के टॉप है। इसके अलावा मैंने नेक्स्ट एक और टॉप लिया है, ये हर्पा ब्रांड का है, ये ब्राइट येलो कलर का है, अगेन स्लीव्स आर वेरी ब्यूटीफुल, पुफी ऐसे यू नो पुफी स्लीव्स हैं, एंड द फैब्रिक इज़ वेरी कम्फर्टेबल यू नो समर्स के लिए। इसने भी अगेन मुझे 499 समथिंग कॉस्ट किया है, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका फैब्रिक थोड़ा सा हल्का है, बट समर्स के लिए बिल्कुल ठीक है, और ये भी मुझे बहुत सही लगा, अगेन अमेज़ॉन। नेक्स्ट एंड जो लास्ट टॉप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइज, वो है ये बहुत ही प्यारा सा टॉप, और ये मैं मुंबई में पहन के गई थी, यहाँ से यू नो फ्लाइट पर पहन के गई थी। इस तरीके से टर्टल नेक है, एंड स्लीव्स अगेन बहुत सुंदर, मेरे को आजकल पुफी स्लीव्स अच्छी लग रही है थोड़ी सी इस तरीके से, तो ये भी बहुत सुंदर कंफर्टेबल फैब्रिक है, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था, यू नो ब्लैक पैंट के साथ भी बहुत अच्छा लगा, ब्लैक डेनिम, और ये कॉटन से थोड़ा सा मिक्स फैब्रिक है, तो अगेन समर्स के लिए बहुत परफेक्ट है। कुछ 299 और 350 का है, उससे ऊपर का नहीं था, अगेन अमेजोन से लिया। तो अगर इस मेगा सेल में आप इन सारे टॉप्स को बाय कर सकते हो, स्पेशली गो फॉर रेड वन, रेड में बहुत सारे शेड्स हैं, एंड दिस अपटाउनी में भी बहुत सारे शेड्स हैं, एंड दिस हर्पा वाले में भी बहुत सारे शेड्स, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप बाय कर सकते हो। लिंक्स जो होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, और आप मेरे माय होल स्टोर का भी लिंक चेक कर सकते हो। जी हाँ जो जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेक श्योर टू चेक आउट। आई होप अब आपको लिंक्स मिल गए होंगे। ओके तो मैं अब जा रही हूँ अपना मेकअप करती हूँ, रेडी होती हूँ। क्या लाए आप मेरे लिए? बीवी को ब्लाउज लेकर घूम रहा दुकान में। पापा को बहुत नॉलेज है, तुम्हें क्या लगता है हमारे घर में जितने सूट साड़ी पहले आते थे सारे बड़े पापा लेके आते थे चांदनी चौक से, और कोई लेडी थोड़ी जाती थी।
अरे बेटा तू इनके खुशबू के इनके भी शादी तक मैंने क्या शादी तक के सारे कपड़े पापा लेके आए शादी तक सारे कपड़े ए टू जेड जो सूट साड़ जो पापा ने खरीदा हमेशा चारों चौक ले जाके मजाक से बता रहा हूँ मैं सामान उठा लेता था पापा पसंद करने के लिए होते थे अंशु बेचारा सामान ही उठाता था बहुत उस टाइम पे बहुत ले गया पापा है भी तो कितना प्यारा पति मेरा नहीं पापा भी उठाते थे ऐसा नहीं पापा दो उठाते तो मैं तीन उठाता था ये फिर उठता हां मैं ये दोनों उठाते बस हम दोनों रहते अरे आज तो बड़े पापा का बर्थडे है गाइस विश कर दो सारे सारे विश कर दो हैप्पी बर्थडे पापा टू यू आज बड़ा अपन नीचे दावत रखी है सबकी रात की थैंक यू रात की दावत रखी है आपने क्या यार मैं जिससे सोचती हूं चल दोपहर का आज जहां आप आज शायद सोचा था कि शाम को वॉक पे जाऊंगी पतली हो जाऊंगी फिर अब तुम 6 तारीख के बाद ही करना भाई 6 तारीख तक प्रोग्राम ही प्रोग्राम हो यार खत्म ही नहीं हो रहे प्रोग्राम 2 hours later मैं रेडी हो गई टॉप पहन लिया सब कुछ कर लिया मेकअप शूट सब कुछ मैं नहाने के लिए चले गए फाइनली मैं रेडी हूँ सब कुछ कंप्लीट है मेरा वीडियो डन एंड ऑल व्लॉगिंग चल रही है तब तक मम्मी इसको आउटफिट को थोड़ा फिट कर देती है मेरे सारे आउटफिट आई थिंक फिट हुए ही हुए हैं तो मैं वेट करती हूँ वैसे 5 मिनट का काम है दैट्स इट ऊपर से स्लीव्स दब जाएंगे तो फिटिंग भी अच्छा आएगी टेलर भैया आपने क्यों ऐसा किया आई नो आप मेरा व्लॉग नहीं देखते बट स्टिल अक्सर टेलर एंड टाइम पे ख़राब कर देते हैं अक्सर और कभी कभी कुछ नहीं करना होता तो बहुत परफेक्ट फिटिंग भी दे देते हैं मयंक मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं इतनी जल्दी इंचेस लूज हो जाएंगे वेट कभी वेट लूज होता है कभी इंचेस लूज होते हैं बट बट या आई एम हैप्पी तो मैं अपने पति से तारीफ सुनना चाह रही थी बहुत सुंदर लगी थैंक यू इतनी देर पहले मेकअप कर लिया लिपस्टिक क्रैक हो गई मेरी कोई नहीं ऐसा चलता है अभी आज जो हम जा रहे हैं आज है गुरुद्वारे में शादी और ये हमारी लाइफ की अब तक की फर्स्ट शादी है गुरुद्वारे में जो शादी होते हैं जो अटेंड करने हम जा रहे हैं कुछ नया रिचुअल देखने को मिलेगा वी आर एक्साइटेड इसे मैंने ये बताया हमारे इंडिया में ना फिल्मों में तो देखा है अलग अलग रिचुअल से तरीके से सेकंड कंट्री इंडिया यार हां मतलब साउथ इंडियंस में अलग एंड हर जगह जाओगे आपको यही तो खूबसूरती हमारे देश की हर तरीके से अलग अलग होता है खैर चलो अब पहुंचते हैं पार्किंग में तो आ गए अब निकल रहे हैं आज मैंने अपनी वेडिंग वाले डे में जो हील्स पहनी थी ना सबसे ऊंची हील्स थी वो ओके मैंने वो हील्स कैरी की है काफ़ी ऊंची और ये कच्चा रास्ता है मुझे ना हमेशा डर लगा रहता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ मतलब मैं थोड़ी सी इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हूँ क्योंकि मैं एवरीडे में ना हील्स नहीं कैरी करती हूँ मैं नहीं चाहती कोई एम्बैरेसिंग मूवमेंट हो जाए मेरे साथ और टचअप के लिए मैंने यू नो हेयर को कॉम कर लिया लिपस्टिक को टचअप कर लिया जो बहुत ज़रूरी होता है आना हो या गोइंग 2 तो बज ही गए हूँ 12 बजे की वेडिंग टाइमिंग थी बट 2 बज गए हैं देखते हैं मुझे वो वेडिंग वाला मिलेगा भी या नहीं सर ढका होना चाहिए जब भी आप गुरुद्वारा आएंगे तो थैंक यू ओके ओके जा रहे हैं हम लोग अंदर चीज़ें बाकी थी बस मोस्टली टाइम तक पहुँची थोड़ा सा लेट हुई ज़्यादा नहीं बट फेरे मिस हो गए वो देखना चाहती थी फिल्मों में देखा था अभी कोई रिबन कटाई की सेरेमनी है उसमें जा रहे हैं नहीं अभी खोल दो यार अभी खोल दो आएंगे इसकी बैटरी आपको चेंज करनी पड़ेगी बैटरी जाने वाली है आई गॉट योर बैग अभी है अभी यूज करने के बाद थैंक यू नहीं नहीं इस पर नहीं निकल जाएगा नीचे उठा यार 10,000 देंगे क्या उन मांगोगे तो 5 मिलते एक मांगोगे लाख मिलेंगे लाख मांगोगे तब आएगा लाख यार पैसे नहीं होंगे तेरी बारी तेरी बारी मुझसे पैसे ले सार मांगा मेरी शादी में सार मांग के 11 में तो अच्छी बात है ना इतने भी मांग लेंगे बाद में पर तू एकदम का फायदा क्या है यार कूद के ना जा सके
इधर गार्ड खड़े हैं, बहुत जाने भी नहीं देंगे, वापस चले जाएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। बात कर लेंगे। एक साल मैं 10 डब्बे प्रोटीन के ले रहा हूँ। बॉडी की बात है। दुल्हन की भाभी, बड़ी भाभी, दुल्हन की छोटी भाभी, बड़ी भाभी, दुल्हन की छोटी भाभी, बोथ आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। रोज की तरह अच्छी लग रही है। रिबन कटिंग की सेरेमनी हो गई। मेरी वेडिंग डे पे भी थी ये वाली सेरेमनी। मैंने रिबन काटा था, तब कुछ 11,000 आई गेस दिए थे, मुझे याद है जहाँ तक। और उस टाइम मैं बैक स्टेज वेट कर रही थी मैं यहाँ का। अभी यहाँ पे सारी सेरेमनीज ऑलमोस्ट हो गई, स्टेज पे दूल्हा दुल्हन आ गए हैं। अब लंच है तो लंच करके हम यहाँ से निकलेंगे। बहुत से लेंसेस पहने पहने चेहरा बहुत उतर गया। हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं। विदाई नहीं हुई क्योंकि विदाई जो है वो घर से होनी थी और कुछ अर्जेंट काम था, घर आना था, तो इस चक्कर में विदाई के लिए मैं नहीं रुक पाई। ना मैं मयंक, एक बड़े पापा का बर्थडे है शाम को, तभी मैं सोचूँ तब तक थोड़ा गाड़ी नहीं रुकते हैं, देखते हैं। खुश हो रहे पापा? केक कटेगा, फैमिली जा रही है तो उसमें जाने के लिए कामाक्षी ब्लैकेट निकलवाने गई थी और कामाक्षी की नाक जला दी पूरी, इतने सर लाल करके घूम रहे छुपा के। मम्मी चलो साड़ी लेके आते हैं। बिल्कुल चिपड़का लग रही है। चिपड़का कौन थी? पता चिपड़का कौन थी? उसका पता मम्मी रोड की हुन की नोट पर सुनो मम्मी, उसको क्या कहते हैं, मुंह में दही जमाना है। शादी पहले लिया उसने, सोचता रहा है ना पार्टी से पहले के स्नैक्स लेके आया पापा समोसे। मम्मी का दही जमाना, मम्मी का रिएक्शन देखो। सुनो मम्मी, यहां बता दिया मम्मी। सुनो मैं कह रही हूं, चलो उसके पास से साड़ी लेके आ। किसके पास? कोई वाइट साड़ी लेके आ। अरे भगवान, तुझे लेके आनी है, पहनेगी कब, इतनी पुरानी हो जाएगी यार। मैं तेरा लाल हो गई। कितना कुछ झेलना पड़ता है। कल मैं उसको ऐसे मजाक में कर रहा, तेरे ब्लैकेट जोर है, ब्लैकेट जोर। वो सच में निकलवाने चली गई, उसने कभी नहीं निकलवाया और वो निकलवाया, नाक लाल हो गई पूरी। मेरे पापा कह रहे जल्दी चाय का बुला लो, मोमबत्ती पिघलने वाली है। अरे बड़े दो तो मोमबत्ती लाए, वो भी पिघलने वाली है। चलो चलो चलो, दो मोमबत्ती आई है, वो भी पिघला देंगे। कोई रह गया क्या? अरे दो मोमबत्ती आप, ये भी खत्म हो जाएंगी। कहाँ से लाओगे? और फ्लावर वाली दादी रास्ते। क्या हो गया सबको? ये सब जो था
पापा है 26 साल का हुआ। अक्षय को अमेजोन से मंगाया था। अक्षय तो अमेजोन से मंगाई चीज है। मम्मी को कुछ खाली चॉकलेट एक चखाना, हल्की चॉकलेट उंगली पे लगा के हल्की से हल्की से हल्की से। नहीं जी गाड़ी वाली है, गाड़ी वाली ताई, गाड़ी वाली दिखा ना भेज दो लो। ठीक है ऐसे ना चकाएगा। मैं 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 चकाऊंगा, मैं चकाऊंगा बेला। शाबाश शाबाश, इतना ना बेटा दे, इतना चका। आ गया टेस्ट आ गया। बाप रे केक खिला दिया। आपका बर्थडे इसलिए खा रही हूं मैं। लो वो लो केक खिलाओ लो। हैप्पी बर्थडे। आपको तो खाने, आप लोग खाने। अच्छा चला लड़की। अंश है ए पार्टी हो रही है, तो खूब भयंकर। शादी में गई थी दोपहर में, मैंने वहाँ पे भी एक कटोरी दही बल्ले लिए थे, यहाँ पे मैं 2 कटोरी दही बल्ले खा चुकी हूँ। मतलब मुझे दही बल्ले इतने पसंद है और ताई जी इतने टेस्टी बनाती है ना, मतलब मज़ा ही आ जाता है। क्या लाई तू थाली में दिखा? ये भी दही बल्ले लेके आई है, इतने टेस्टी होते हैं ये। पर तूने इसमें कुछ डाला नहीं, मैंने चटनी वटनी दिखी नहीं। देख मैंने इसे बोला था बहन, तूने इसमें चटनी क्यों नहीं डाली? थोड़ी देर बाद तेरे को देखने चटनी साफ करा दो यार। वेयर इज लाल वाली? नहीं है, नहीं है यार, लाल नहीं है इसमें। खा के तो देखो। छोड़ दे, उसने बोल दिया छोड़ दे, रहने दे बहन, तुझसे नहीं हो पाएगा। चटनी डालनी नहीं आती मतलब मुझे? इस काबिल बनो कि तुम चटनी डालना सीख लो। ससुराल वाली तारीफ करेंगे तुम्हारी? हमें नहीं करानी है, है नहीं है। अरे यार गई। इट इज ओवर। आपको मिला खाने को? आपको मिला खाने को? हाँ ऐश बैठने लग गई कितने अच्छे से। तो लुढ़क जाता है क्या जी? ऐसे मेरे क्यों जी है? तुम मेरे प्यारा सा जिगरा का टुकड़ा जी है। तो गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग? मतलब मैंने काफी सारे रिचुअल्स आज देखे जो कि बहुत अलग थे सरदारों की वेडिंग में। वैसे आपको सारा व्लॉग फिजा के चैनल पे देखने को मिल जाएगा। स्टेस ऐसे व्लॉग्स, वो सारे व्लॉग्स सब कुछ बना रही है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी घर की शादी है। मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन अटेंड किया, एक फंक्शन को शूट किया। अब कल जो है रिसेप्शन है, तो ऑब्वियसली वी आर इन्वाइटेड इन रिसेप्शन एज वेल। सो कल जाएंगे, एंड कल कौन जाएंगी? जिठानी जी भी जाएंगी। सबसे ज्यादा टेंशन क्या है महेंद्र को? सबसे ज्यादा टेंशन कि मुझे यही नहीं पता मुझे पहनना। ये सबसे बड़ी टेंशन है अभी, इसको सोचना है। पर लकली कल इसका ऑफ है तो ये आराम से सोच पाएगी, कर पाएगी। ठीक है गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। कल का लुक भी मैं शूट करूंगी। आई लव यू, बाय, एंड चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लव यू, लव यू, लव यू।